हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैंने ये वीडियो बनाया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मैं ये अपने कार्ड से पूछना चाहूँगी कि संदीप सिंह कैसे इन्वॉल्व है मर्डर केस में सुशांत के। मुझसे किसी ने ये पूछा हुआ है कि संदीप सिंह के बारे में बताइए, तो मैं अपने कार्ड्स के थ्रू ये जानना चाहूँगी। संदीप सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे और वो खुद भी अपनी फिल्में वो बना चुके हैं, एक प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो मैं अपने कार्ड्स के थ्रू ये जानना चाहूँगी कि संदीप सिंह कैसे इन्वॉल्व है मर्डर केस में सुशांत सिंह राजपूत के। मैं मेरे आसपास जो भी एंजल्स हैं, प्लीज़ वो अगर कनेक्ट कर सकती हैं सुशांत सिंह राजपूत से तो प्लीज़ मुझे बताएँ कि संदीप कैसे इन्वॉल्व है मर्डर केस में। कैसे संदीप ने, क्या उनको मारने की योजना बनाई थी? ऐसा कोई मैसेज मेरे कार्ड्स के थ्रू हो सकता है क्या? प्लीज़ मेरी कार्ड से रिक्वेस्ट है, मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं। यहाँ पे जो कार्ड्स मैं इसमें और कार्ड्स दो और कार्ड्स इसमें निकालना चाहूँगी इसमें से। इसमें यहाँ पे कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं कि जो फर्स्ट कार्ड आया है वो लवर का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि सुशांत सिंह और संदीप आपस में बहुत ही फ्रेंडली बिहेव उनके साथ करते थे और संदीप ने भी बहुत ही दिखाया कि हाँ मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ तुम्हारा, तुम्हारा जो है वो हर चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा, ख्याल रखूँगा, तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं दूंगा। सुशांत भी उनको अपना दोस्त मानते थे और सुशांत ने भी ये कह रखा था कि तुम्हें जो जो ज़रूरत हो वो मुझे बताना। आपस में लवर्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि उनके बीच में बहुत प्यार था शुरुआत में उनके, मतलब जब उनकी दोस्ती हुई होगी तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और यहाँ तक उनके ये भी प्लानिंग चलती रही होगी कि किससे शादी करनी है, किससे शादी, मतलब गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड कौन सी बनानी है, क्या करना चाहिए, तो मैं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं चाहिए अपना परिवार बनाने के लिए। तो संदीप ने ही मुझे लगता है कि डिस्कस किया, ज़रूर किया होगा कि क्योंकि अंकिता उनके लाइफ से तब तक जा चुकी थी और तब अकेले हो गए थे सुशांत जब और उसके बाद जो है अंकिता के जाने के बाद संदीप बहुत ही मतलब क्लोज फ्रेंड हो गए थे सुशांत के, और काफ़ी कुछ वो जानते भी थे, संदीप काफ़ी कुछ जानते थे सुशांत के बारे में। और यहाँ पे ये भी कार्ड आया है कि एक नई शुरुआत करने के लिए एक प्लानिंग दोनों के बीच में चल रही थी कि एक नई शुरुआत करेंगे। संदीप ने जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि बोला होगा कि एक नई पिक्चर बनाने के लिए या नई एक प्रोड्यूस करने के लिए, इस तरीके से कुछ उनके बीच में प्लानिंग चल रही थी। और बहुत ही संदीप ने सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया कि हाँ चलो एक अच्छा एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन संदीप ने एक बहुत ही गंदा जादू खेला है, एक बहुत ही मैजिकल, एक जैसे कहते हैं ट्रिक्स खेलना, वो ट्रिक्स संदीप ने खेली सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, दैट मीन्स कि अगर इन दोनों कार्ड्स को अगर हम रिलेट करें तो उसके संदीप के दिमाग में कुछ गलत चल रहा था और कुछ जैसे कहते हैं ना फितूरती टाइप के जो लोग होते हैं, फितूर टाइप के, मतलब फितूर की बातें करना, इधर उधर की बातें करना और होना कुछ नहीं और बस अपना काम निकालना और बेवकूफ़ बनाना। तो ये संदीप का ये जो मैजिशियन वाला कार्ड आया है, दैट मीन्स कि वो सुशांत को पता नहीं चलने देते थे कि वो पीठ पीछे उनके चूरा भूक रहे हैं, वो प्लानिंग बनाते रहते थे, संदीप प्लानिंग बनाता रहता था कि कैसे जो है इनके बेवकूफ़ बनाओ और अपना काम निकाल लो, उनको पता ना चले। ये मैजिकल वाला कार्ड आया है, वो मैजिकल गेम खेलता था वो संदीप सुशांत के साथ। और इसने ही पीठ पीछे, जैसे कि मैंने बताया कि वार किया है इसने और बहुत ही एग्रेसिवनेस के साथ, गुस्सेलेपन के साथ इसने अपना काम निकलवाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत से, चाहे पैसे से लेकर के, चाहे काम से लेकर के, कैसे भी करके सुशांत से काम निकलवाने में ये सफल भी रहा है और ये इसने सक्सेस भी, इसको वही है कि सफल हुआ है ये गलत काम करने में संदीप,
यहाँ पे कार्ड जो ये मैजिकल वाला है, आप देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है ये साफ बता रहा है कि संदीप ने अपने काम निकलवाने के लिए केवल दोस्ती करी उससे। और ये आप देख सकते हैं कि कई सारे लोगों को बंद कमरे में मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं दो लोग मार रहे हैं, तो एक व्यक्ति है जो जो बचा हुआ है वो चिल्ला रहा है कि मुझे मत मारो। तो ये जो कार्ड आया है ये भी नेगेटिव कार्ड है, दैट मीन्स ये संदीप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है मर्डर केस में, और ये बिल्कुल कंफर्म है। और सुशांत को पता चल गया आखिरी में कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा संदीप, तो ये कार्ड आया हुआ है यहाँ पे। तो और उसके बाद इनको मारने के बाद, सुशांत सिंह राजपूत को मारने के बाद ये जो कार्ड आया है ये बताता है कि तब जो है इनको मारने के बाद जब ये एक सोल बन गए हैं सुशांत, तब ऐसा इनको सब चीज़ें रियलिटी में पता चली कि ये संदीप जिससे मैंने दोस्ती करी थी ये गलत व्यक्ति था, और मैं एक ही चीज़ से मैं स्टक्ड रह गया, एक ही चीज़ से मैं चिपका रह गया। मैं नहीं देख पाया कि ये संदीप जो है मेरे साथ गलत काम कर रहा है और मुझे धोखा दे रहा है, पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, ये सब सुशांत देख नहीं पाए हैं। और अब उनको ऐसा लगता है सुशांत को कि ये जो संदीप था ये मैंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, मतलब कि मैच्योरिटी से मैंने इसको टैकल नहीं किया, मैंने चीज़ों को एज इट इज़ ले लिया और सब कुछ संदीप पे विश्वास किया, उस पे संदीप पे भी विश्वास उन्होंने किया है। तो मुझे लगता है कि मर्डर केस में इसका हाथ है, ये बहुत कुछ जानता है। अगर ये सीबीआई अगर जांच करे ठीक से संदीप की, तो संदीप बहुत कुछ जानता है, काफ़ी क्ल्यूज़ मिलेंगे। लेकिन इसका मुझे लगता है कि ये इसका मुंह बंद कर दिया गया है पैसा देकर के, क्योंकि संदीप ठीक आदमी नहीं है, ये इसने कुछ मैजिकल कोई चीज़ खेली है जो कि हम सबको दिख नहीं रहा है, और सुशांत को भी पता नहीं चल पाया कि ये किस तरह का आदमी है, ये गड़बड़ आदमी है ये। और इनका जो है सीबीआई जांच अगर ठीक से इसको संदीप को पकड़ के कस के एक थप्पड़ मारे तो शायद जवाब देंगे वो, क्योंकि वो बहुत ही अगर जो कहते हैं ना कि जो लोग बहुत ट्रिक्स खेलते हैं ना तो वो कमज़ोर होते हैं, तभी वो ट्रिक्स खेलते हैं, वरना अगर सामने अगर सच बोले तो सच बोलने वाला इंसान जैसे सुशांत सिंह थे वो एक खुले दिल के व्यक्ति थे, उनको किसी चीज़ का डर नहीं था। वो आत्महत्या तो क्या करेंगे, वो आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते थे, उनको मारा गया है वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन संदीप का ये जो कार्ड आए हैं अगर सीबीआई जांच करे तो काफ़ी चीज़ें खुल करके आएंगी, मुझे लगता है कि केस ऑलमोस्ट सॉल्व होते ही दिखेगा सीबीआई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जिस किसी ने मेरा ये क्वेश्चन पूछा था उनको आंसर मिल गया होगा। आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।